जय सुरकंडा माता की, वहाँ लिखा है। भैया रोड चला जाता है धनोल्टी की ओर और यहीं से हमें सीढ़ी की चढ़ाई करनी। तो हम कंटिन्यू ट्रैकिंग कर रहे हैं और देखो यहाँ पे बंदर है। और रोप वे का मैं बता दूँ, यहाँ से 205 रुपये पे टू वे का, यानी कि जाना और आना। और अगर आप वन वे जानते हैं तो उसका है जो टिकट है वो 105 रुपये है। तो मैं कंटिन्यू आगे ऊपर जाता हूँ और जैसा भी होता है मैं दिखाता रहता हूँ। जैसे मैं ऊपर ऊपर ट्रैकिंग कर रहा हूँ, सांसें भी फूल रही, और ये देखिए कितने सारे बंदर हैं। मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मंदिर ऊपर है और किसी चीज़ को पाने के लिए जब मेहनत करना पड़ता है तो और मज़ा आता है। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है सुरकंडा देवी मंदिर की, वो ऐसा बताया जा रहा है, शंकर भगवान की जो पहली वाइफ थी उनके पापा ने शंकर जी को हवन में नहीं बुलाया था, तो वो गुस्सा होके उस हवन में ही बैठ गई थी। तो जब उनकी राख को ले जाया जा रहा था तो उनकी जो राख है वो 12 जगह गिरी थी, 12 टुकड़ों में। तो वहाँ यहाँ पे उनके केस की राख आके गिरी थी, तो इसीलिए यहाँ पे सुरकंडा देवी का मंदिर बन गया है। और ये बंदर मेरे को डरा रहा है ऊपर देखो। मैं दिखा देता हूँ एक बार बैक कैमरे से, ये देखिए क्या इसकी कलाकारी है। और ये बार बार मेरे को डरा भी रहा है। तो दोस्तों हमने ये डिसाइड किया है यहाँ से आने के बाद कि हम शॉर्टकट जाएंगे, और मैं शॉर्टकट का आप लोगों को रास्ता भी दिखाता रहता हूँ। आप लोग अगर कभी शॉर्टकट की भी लेना चाहें तो शॉर्टकट भी ले सकते हैं। मैं आगे से भी बता देता हूँ, ये देखिए शॉर्टकट के रास्ते कैसे हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं शॉर्टकट के। और ट्रैकिंग का मज़ा तो अगर और अब आते हैं, और ये शॉर्टकट का रास्ता है, रास्ता तो बहुत खतरनाक है लेकिन आप लोग आए तो एकदम केयरफुली आए। और यहाँ पे जंगल टाइप के और बंदर भी बहुत सारे हैं। और शॉर्टकट में ये पहाड़ियों का रास्ता कितना पतला सा होता है, सुरकंडा देवी। और एक बार नीचे देखो आप लोग, अगर यहाँ से कोई गिरा ना तो उसके क्या हालात होंगे उसको खुद भी नहीं पता। 206 टुकड़े, 206 हड्डियाँ होती हैं, तो 362 भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग इस रास्ते से आए तो ये रास्ता जो कि शॉर्टकट नहीं है, ये रास्ता इजीली चला जाता है, और ये रास्ता शॉर्टकट है, हम शॉर्टकट के रास्ते से चलते हैं। और आप लोगों को जो शॉर्टकट है एक बार दिखाता हूँ कितना टफ शॉर्ट। मैं तो बोलूँगा आप जब भी ऐसे रस्तों पे चढ़ाई करें तो बैंड होके थोड़ा करें, अपने आप को थोड़ा सा बैंड कर ले, उसके बाद ट्रैकिंग करें। और यहाँ से जो व्यू है पीछे का, क्या नज़ारे हैं अल्टीमेट, क्योंकि 360 यहाँ से दिखा देता हूँ। चंबा में आता है और यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ऊपर ट्रैकिंग करता हूँ, तो दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं और ये नज़ारे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बस यहाँ पे एक ही कमी है, स्नोफॉल अभी नहीं पड़ रही। स्नोफॉल होती तो क्या आनंद आता। वोरा सुरकंडा देवी टेम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वोरा सुरकंडा देवी टेम्पल। और अभी हम नीचे हैं और ऊपर जैसे ही जाते हैं आपको मैं दर्शन करवाता हूँ ऊपर पहुँच के। फाइनली हम आ गए सुरकंडा देवी टेम्पल के पास, यहाँ पे जोड़े वगैरह जमे होते हैं, अहेरा मंदिर। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए सुरकंडा देवी टेम्पल पे, और ये रहा टेम्पल, ये टेम्पल है सुरकंडा देवी टेम्पल। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू, नीचे का व्यू कुछ ऐसा है।
कुछ भी नहीं है, ओनली स्नो के अलावा। यहाँ स्नो है थोड़ी, वो मेल्ट नहीं हुई है, बाकी ये पूरा यहाँ सुकंडा देवी के आसपास के सारे गांव हैं बाकी सब। और यहाँ ये टेंपल ये एंड में है और बाकी सब चीज़ इसके नीचे है। दोस्तों इस टाइम मैं सुरकंडा देवी टेंपल के सामने हूँ और सुरकंडा देवी टेंपल में दिखाता हूँ। ये रहा सुरकंडा देवी का टेंपल पूरा, ये रहा। और इसके आसपास जो दो तीन मंदिर हैं, एक ये मंदिर है और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बजरंगबली का मंदिर है और एक बाबा बर्फानी का है और एक ये टेम्पल है। यहाँ पर यही है और पीछे की साइड माउंटेन्स हैं पीछे की साइड। और आप लोगों को शो नहीं हो रहा होगा शायद कैमरे पे, जो वहाँ की जो पत्थरों की डिजाइन है काफ़ी शानदार बनी है, काफ़ी अच्छी बनी है। तो ये चारों तरफ सुरकंडा देवी टेंपल की, इधर जो है इधर प्रसाद वगैरह का है और कुछ भी नहीं है। इधर पहाड़ियाँ हैं और पीछे से मंदिर कुछ ऐसा दिखता है ऐसा। और ये पूरा घूमते घूमते ये वापसी वहाँ चला जाएगा, यानी कि पीछे से आते वक्त भी आपको ऐसा शो होगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि सुरकंडा देवी का जो टेंपल है, शंकर भगवान की जो फर्स्ट वाइफ थी उनके पिता ने शंकर जी को हवन में नहीं बुलाया था तो हवन कुंड में जाके बैठ गई थी। फिर उनकी राख जब ले जाई जा रही थी तो वहाँ पर 12 टुकड़े हुए थे, तो एक टुकड़ा जो इनका केस का टुकड़ा था वो यहाँ के गिरा था, तो यहाँ पर सुरकंडा देवी का टेंपल। दोस्तों वो देखिए माउंटेन, जो माउंटेन है स्नो कवर्ड माउंटेन, यहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। अगर आप लोग भी आएँ तो मैं यहाँ का आपको बता देता हूँ। अगर सुरकंडा देवी आपको बस से आना हो, आप लोग आइए सीधा दिल्ली से देहरादून, देहरादून से आपको मॉर्निंग में बस मिल जाती है धनोल्टी तक, धनोल्टी से आपको मिल जाएगी टैक्सी, टैक्सी मिलेगी सुरकंडा देवी टेंपल आपको नीचे उतारेगी। वहाँ से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, आप ट्रैकिंग करके आ सकते हैं, नहीं तो रोप वे से आ सकते हैं। आप इजीली यहाँ पे दर्शन कर सकते हो और आप इन अच्छे अच्छे नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हो। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ऐसी मैं और वीडियो लाता रहूँगा और अच्छे अच्छे मेरे चैनल पर ब्लॉग आते रहेंगे, तो आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में।